हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 एनसीईआरटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बी माय मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर्स. मेन ऑब्जेक्टिव दिस चैप्टर इज नोज अबाउट मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में सीखेंगे, मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स एंड नाउ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स and then knows about factors and common factors and knows about factor tree. ये 4 concept हम इस chapter में clear करेंगे. Let's start. आपके पास given है 5 students, there are 2 students. Hello number 2, ये 5 वाले बच्चे उनको बोल रहे हैं hello number 2, because ये 2 है और ये बोलते हैं hello number 5. Now, let us find our multiples. वो कहते हैं कि अब हम हमारे multiples find out करेंगे. जो 5 number है वो बोलता है, अब my multiples are. My multiples are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Multiples है. 5 1 = 5, 5 2 = 10 आपको given है. Then लेट अस फाइंड आवर मल्टीपल्स. आओ अब हम अपने मल्टीपल्स फाइंड आउट करें. माई मल्टीपल्स आर, देखिए वो 2 थे तो 2 के मल्टीपल 2 की टेबल. 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 8 10 12, ये सब हो गया बच्चों. नाउ ये दोनों आपस में बोलते हैं लेट अस फाइंड आवर कॉमन मल्टीपल्स, कि अब हम अपने कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं. बोले आई हैव 10 एंड 20, 10 20 था उसके में, तो ये भी बोलता है आई ऑल्सो हैव 10 एंड 20. जब दोनों में सेम फैक्टर आ जाए, आपके सेम मल्टीपल आ जाए, तो वो क्या होंगे, आपके कॉमन मल्टीपल्स. नाउ दोनों जो आपस में बात करें, ही 10 20 आर अवर कॉमन मल्टीपल्स. हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं 10 एंड 20, बिकॉज उसके में भी थे वो 5 वाले में भी और 2 वाले में भी. आप 10 इज अवर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कॉल्ड LCM. जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे उसमें से जो लोवेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप कह सकते हैं. नाउ अनदर वे आप देखेंगे, लेट डू द सेम इन अनदर वे. अब आपने क्या किया, 2 की टेबल आपने यहाँ लिखी, इस साइड आपने 5 की टेबल लिखी. अब आप देखेंगे इसमें से आपका कॉमन क्या है. देखो 10 20 दोनों में है, ठीक है, तो 10 और 20 जो दोनों में है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और क्लियर कर लेते हैं. फैक्टर्स, नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ न्यू नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द न्यू नंबर. सो ऑप्टिव, वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे एक नया नंबर आ रहा है, जो 2 नंबर्स है ना वो फैक्टर है. और रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच फैक्टर. देखिए अब आपके पास 2 × 3 6 आ गया. जो ये 6 है बच्चों, ये मल्टीपल है. और 2 और 3 ये क्या है, आपके फैक्टर. 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 1 8 8. जो 8 है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा मल्टीपल. और 1 और 8 आपके क्या हैं, फैक्टर्स. इसमें कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीपल है हमारा. बट जिन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा है फैक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर है एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, कि हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो ज़रूर होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं. 2 फैक्टर तो मिनिमम है 4 7 = 20, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई एटलीस्ट 2 को तो ज़रूर करेंगे.
नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वन हर किसी का फैक्टर हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट है, वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वन सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा आपका. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर अपना खुद का, इट खुद का भी वो होगा फैक्टर. फॉर एग्जांपल मुझे 12 का ही फैक्टर करना है, तो 12 की टेबल कहाँ का, 12 किस से मल्टीप्लाई करके आएगा. सबसे पहला है 1 12 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है. सबसे 12 12 आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर्स कौन से हैं, 1 12 2 6 3 4. अगर हम करेंगे 4 3 जा, यही आएगा सेम, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, ऑपोजिट हो जाएगा. तो यही बात इसने करी कि 1 ज़रूर होगा हर किसी में स्मॉलेस्ट फैक्टर, और एक खुद भी वो अपने आप भी हमेशा फैक्टर होता है. जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे सेम इट्सेल्फ नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा. अ फैक्टर ऑफ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर इट्सेल्फ. और फैक्टर जो होगा ना बच्चों, हमेशा या तो सेम हो सकता है, जैसे 12 का फैक्टर है, या तो 12 हो सकता है मैक्सिमम, और अदरवाइज उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप 13 भी लेते हैं तो 13 1 जा 13, वो 13 आएगा, 12 नहीं आएगा आपका, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने लिया है 72 का, 8 9 जा 72, 72 1 जा 18 4 जा एटसेट्रा लिखा है. अभी और भी फैक्टर इसके बन रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. देखिए हमने वो मल्टीपल किया था अभी अभी पीछे. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर नंबर 1 मल्टीपल होगा 1 का, और हर जो मल्टीपल होगा ना, एक तरह से वो फैक्टर भी होगा 1 का, ठीक है. 1 7 जा 7, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 8 1 जा 8, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 हर किसी का. अगर आपको 0 गिवन है, आपको नहीं पता वो किससे मल्टीप्लाई करके आया, 10 1 10 0 जा 0 भी हो सकता है. 1 0 8 5 9 मल्टीप्लाई 0, उससे भी 0 आएगा. इसलिए 0 जो है हर नंबर का क्या होगा, आपका एक मल्टीपल है. एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ होल नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर. जो जितने भी नॉन ज़ीरो मल्टीपल है वो या तो उससे ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे. बच्चों हमने 2 का मल्टीपल अभी अभी लिया था पीछे, ठीक है, 2 और 5 के लिए. जब 2 का मल्टीपल आपने किया था, आपका बना था 2 4 6 8 10 12 14, इस टाइप से बनते गए आगे हमारे. इसने कहा है कि हर नंबर जो होगा ना, या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, बट फैक्टर में अपोजिट था, या तो ग्रेटर होगा या क्या होंगे वो, उससे लेस देन होगा, ठीक है. इसमें मल्टीपल ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये उससे ग्रेटर होगा. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. आपने मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास सिंपल है. 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नेक्स्ट जितने भी आ जाएंगे. आपने कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. अब आपके पास है 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे आप ले लेंगे, ठीक है. जब आप लेंगे देखो आपके पास ऐसे आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, चलते रहेंगे मल्टीपल ऑफ 5. अब इन दोनों में बच्चों आप देखेंगे आपका कॉमन है 15 भी है, 30 है, फिर आगे 45 आ जाएगा, ठीक है. तो जो हमारा कॉमन है वो क्या होगा बच्चों, आपका कॉमन मल्टीपल्स. और इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल में जो स्मॉलेस्ट है वो क्या होगा आपका, एलसीएम. देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थे. अब इनमें कॉमन ये आ गया, ये आपका क्या हो गया 15 20, और वो आपके फैक्टर. अब आप देखिए फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर. फैक्टर्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर में हमें ये देखना होता है कि ये टेबल
ये जो मल्टीपल गिवन है ये किस किस की टेबल से मल्टीप्लाई करके आएगा। फर्स्टली तो वन से तो हम ज़रूर करेंगे, उसको इट्सेल्फ को वन टेन जा टेन और कहाँ आता है, टू फाइव जा, फिर आप अपोजिट कर दिया फाइव टू जा टेन वन जा। अब इसके फैक्टर या तो इस साइड वाले ले लो या ये ले लो, तो आपके बन गए वन टू फाइव टेन। ओके, अब एटीन का, वन एटीन जा एटीन, टू नाइन जा एटीन, थ्री सिक्स जा एटीन, फिर अपोजिट चल पड़ा सिक्स थ्री जा नाइन, टू जा एटीन वन जा, फिर हमने ये वाले फैक्टर ले लिए, फैक्टर ऑफ एटीन। अब बच्चों देखो, टेन के फैक्टर आपके पास है एटीन के, जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन फैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए वन कॉमन टू कॉमन, तो वो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। नाउ फैक्टर ट्री, देखो बच्चों फैक्टर ट्री है आपके पास 24 का, आपने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। 24 के फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, 24 आपका कौन सी टेबल पे आता है, वन को छोड़ के, 12 टू जा 24, फिर टू के आगे अगर आप फैक्टर बनाओगे 21, वही बनता जाएगा आगे बनाओगे 21। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12 के आगे बन सकता है 2 6 जा 12, फिर 6 आगे डिवाइड हो रहा है 6, 2 3 जा 6, ऐसी 24 है, 4 6 जा 24, देन 6 को आपने बाइफर्केट किया 2 3, 4 को किया 2 2, 2 2 जा 4, फिर आपके पास है 3 8 जा 24, फिर आपने किया 8 को कर दिया 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 2 जा 4। वन वाला फैक्टर नहीं लेना है, ऐसे तो वो आगे इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम किसी का भी फैक्टर लें, मान लो मैंने इसको कर दिया 3 1 जा 3, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, फिर वही 3 1 जा 3। ये हमारी फैक्टर्स ट्री होते हैं। जो फैक्टर ट्री है बच्चों, वो ज़रूरी नहीं है वन ही मैथड से होगा, बहुत सारे मैथड से हम कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, Now we have given a worksheet. Find 10 multiples of 7. 7 के multiples आपने find out करने हैं, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे। अब 3 common multiple बताने, पहले 5 की table लिखो, 7 की table लिखो, जो common होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 3 निकालने आपने, 3 common multiples। देन आपने फैक्टर ट्री बनाना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 15 के, बहुत इजी। 15 का किस किस में आएगा, 1 15 जा 3 5 जा और 5 3 जा 15 1 जा, तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 3 5 15। ओके, ऐसे ही कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं 25 और 35 के। 25 देखना है 1 25 जा 5 5 जा, ठीक है बच्चों। ये कॉमन फैक्टर आपने बताना है मुझे, किसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चों ने कमेंट में आंसर करना है। ड्रो अ फैक्टर ट्री ऑफ 32, 32 का आपने फैक्टर ट्री बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट, होप एवरीवन अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच ऑल। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।